ये गूंज है राजस्थान से और नारा है इंकलाब का। ये तस्वीर है उस आम आदमी पार्टी की जिसने ऐलान कर दिया है कि हाथ कमल की इस रेस में झाड़ू भी चुनाव लड़ेगी। एक इस बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए जाए, एक एक गांव में आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचे, एक एक शहर में केजरीवाल का मॉडल पहुंचे। राजस्थान में 2023 के महाकुंभ मुकाबले में बीजीपुर कांग्रेस को अब आम आदमी पार्टी भी टक्कर देने उतरेगी और जीत का मंत्र होगा मुफ्त बिजली और बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि आप पार्टी का टारगेट है पहला राजस्थान के घर घर तक कार्यकर्ता जोड़ना और दूसरा बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को जोड़ना। तो मेरा टारगेट है अरविंद जी की जो नीतियां हैं, जो हमारे सरकार के काम है, उसको लेके राजस्थान में घर घर जाना। दो टारगेट है हमारा। पहला टारगेट संगठन का विस्तार करना, राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जिले में हम जाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे और घर घर जाके जो बेरोजगार बैठे हैं उसके साथ भी बात करेंगे, जो महिलाएं त्रस्त है क्राइम से उनसे भी जाके बात करेंगे, जो किसान त्रस्त है इनकी वादा खिलाफी से, जो उन्होंने वादा खिलाफी की, जो ऋण माफी की बात की थी 10 दिन के अंदर जो नहीं किया, सबसे जाके मिलेंगे और अपने संगठन का मजबूती से विस्तार करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेंगे और 2023 में राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएंगे। क्योंकि आप पार्टी ये जानती है कि राजस्थान में बेरोजगारी नंबर एक पर है और ऐसे में 32% बेरोजगारी के आंकड़े को राजस्थान सरकार कम नहीं कर पाई है और ऐसे में पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आप पार्टी की नजर राजस्थान है। दिल्ली विजन पर अब 2023 में आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव लड़ने जा रही है। आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने जयपुर के बिड़ला सभागार से ऐलान कर दिया कि अशोक गहलोत क्या ये कह सकते हैं कि 5 साल काम ना किया हो तो वोट ना दे, लेकिन ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा 5 साल काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट ना देना। क्या ऐसा साहस हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री में है? क्या तो गहलोत की चुनाव में जाके कह सकते हैं कि 5 साल में काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना? अगर ऐसा कह दे तो हर रहें की जमानतें जब्त हो जाएगी, जमानतें जब्त हो जाएगी। देश में हवा भले ही बीजेपी की थी लेकिन पंजाब में हवा आम आदमी पार्टी की चली और अब राजस्थान की हवा में झाड़ू चल सकती है। वसुंधरा गहलोत का खेल अब आम आदमी पार्टी बिगाड़ सकती है। राजस्थान में आप पार्टी का नारा दिया है, राजस्थान की उम्मीद है आप। अब देखना होगा कि 2023 में आखिर क्या होता है, क्या ये भिड़ंत वाकई त्रिकोणीय होगी या फिर आम आदमी पार्टी वाकई तीसरा मोर्चा बनकर उभरेगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है तो मुश्किलें बीजेपी और कांग्रेस के लिए बढ़ना तय है। और ये भी तय है कि अब देखना ये होगा कि राजस्थान में आप पार्टी के क्रेज में बीजेपी का कीला ढहता है या फिर कांग्रेस को झटका लगता है।